हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में आपके अपने चैनल राज बाइक डॉक्टर में। दोस्तों आज की वीडियो आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक दोस्त साइकिल है दोस्तों, और उसमें दोस्तों एक मिस्टेक है दोस्तों। उस मिस्टेक ये कि दोस्तों जिसके बड़ा चेन स्पोक है दोस्तों वो ख़राब हो चुका दोस्तों, उसकी चेन भी ख़राब हो चुकी है, और दोस्तों इसका जो छोटा वाला स्पोक है दोस्तों वो भी ख़राब हो चुका दोस्तों। तो आपको दोस्तों पहले तो मैं ये बताऊँगा दोस्तों कि किस तरह से ख़राब होता है दोस्तों, फिर इसको चेंज करना बताऊँगा दोस्तों इसको किस तरह से चेंज किया जाता है दोस्तों। पहले तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये स्पोक है दोस्तों, इसकी जो ये टीथ है दोस्तों, जो इसके दांत है दोस्तों, ये काफ़ी तीखे हो चुके हैं दोस्तों, और इनके अंदर जो यहाँ पे गैप होता है दोस्तों, ये गैप काफ़ी हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों एक तो कारण ये होता है इसका ख़राब होने का दोस्तों, ऐसा हो जाता है तो इसको हमें चेंज करना होता है दोस्तों, और दूसरा कारण होता है दोस्तों ये थाली होती है इसके अंदर बेंड आ जाता है दोस्तों, तो हमारी जो चेन होती है दोस्तों वो बार बार उतरती है दोस्तों, इसकी वजह से हमें इसको चेंज करना होता है दोस्तों। इसमें दोनों मिस्टेक हो गए दोस्तों, जो इसके टीथ वो भी घिस चुका है दोस्तों, इसमें गैप भी काफ़ी आ चुका है दोस्तों, और जिससे थाली इसकी भी बेंड हो चुकी है दोस्तों, और सेम टू सेम दोस्तों वैसे ही हाल इसकी जो पीछे वाला स्पोक है उसके भी ऐसे हाल हो रहा है, उसकी भी जो टीथ तीखे हो चुके दोस्तों, काफ़ी लंबे लंबे हो चुके हैं दोस्तों, और इसमें गैप काफ़ी हो चुका है दोस्तों। मैं आपको उसको भी बता देता हूँ दोस्तों एक बार, आप देख रहे हो दोस्तों कुछ इसकी भी ऐसी ही हाल आता है दोस्तों, और आप देख रहे हो कि इसकी जो चेन है दोस्तों ये पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, इसमें भी काफ़ी गैप आ चुका है दोस्तों, एकदम से ढंग से चलती नहीं है। इसको इस स्पोक ऊपर डालते हो तो ये बहुत ही लूज रहती है, तो हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं पहले ही मेरी वीडियो में दोस्तों आपको बता रखा है कि चेन को किस तरह से चेंज किया जाता है, और पीछे वाले स्पोक को किस तरह से चेंज कर सकता है, तो आप जाके उन वीडियो को देख सकते हो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा। तो मैं आज की वीडियो में आपको इस थाली को चेंज करना बताऊँगा दोस्तों, इससे किस तरह से चेंज किया जाता है दोस्तों। इसको चेंज करने के लिए दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों जो हमारी क्वार्टर पेन होती है दोस्तों, इसको खोलना पड़ता है, इसको खोल के इसको ठोक के बाहर निकालना होता है, जो क्वार्टर पिन बाहर जाएगी दोस्तों इसके बाद ये थाली बाहर आ जाती है दोस्तों, और फिर थाली बिल्कुल हम नहीं लगा सकते हैं। क्या मैं बताता हूँ दोस्तों नई नई कैसी थाली है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं मेरे पास ये नई थाली है एकदम ब्रांड न्यू, और इस तरह की इसमें आती है दोस्तों, इसके ऊपर जो पेडल होता है वो अलग से लगाना पड़ता है हमें, उसके बाद पेडल नहीं आता है, और ये थाली कुछ इस तरह की आती है दोस्तों। आप देख रहे हैं इसके टेथ होते हैं, उनके अंदर गैप भी ज़्यादा नहीं होता है, ट्रे एकदम चौड़े होते हैं, तो ये बाज़ार में 150 रुपये के आसपास मिलती है, ये ला के हम इसको चेंज कर सकते हैं। मैं आपको इसको लगाना बता दूँ किस तरह से लगाया जाता है इसको, दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप YouTube पे देख रहे हो, और अगर Facebook पे देख रहे हो तो हमारे Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे दोस्तों, और हमारे Instagram हैंडल को फॉलो करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों आपके लिए, और जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में लिए, तब तक लिए दोस्तों धन्यवाद।